काका भाई बताए बैल उल वाला बैल यही क्या है क्या पहले बैल उल की जुताई होत रही काका बैल हेरा तहत गया चला तो देखाई हमारे कहीं दुई जोड़ी यहाँ जोता जाते काका का करबे पुराना वाला जाय गया पहले आप सब जात रहे शादी बियाह देख लेते रहे शादी बियाह हो जात रहे लेकिन आजकल सिस्टम देखा था लड़की लड़कियां राजी हो गया सब लेन देन वाली बात हो गया पहले वाली भुलाई क्या काका होता हाँ लड़कों पहले पेटवा के लगी 4 साल कहा तबे शादी हो जात रही गौना आवे 18-19 साल बाद लेकिन देखा था आजकल लड़कियां नौकरी पा गया धमा धमा सर्विस हर है तबे बियाह होए हाय रचली नहीं कर जा लई ले हमारे बिटिया के जीवन सुधर गया है वाला छोड़ दे काका सुना तोरे वाला सुना बता है जमाना ना ये फैसल कई सुना अरे भूले चाल चलन ले पहले कै पुराना जमाना ना ये फैसल कई सुना जवन पहले खात रहे आधा आलू खाए मिलत बा नाय मिलत बा पहले पुरवा दूध दही माथा महुआ सब गुजार चला जाए तो तू यहाँ ऊपर गंदा घोड़ गया हो सरिया एकदम बनी रही लेकिन आज काल के लड़के देखा जाए कि दिन जाए के है काका सवेरे संझ चाट केला आधा दर्जन और एक लीटर दूध पिया तब तब खिंगाई गलत दे जाए जाने में रात कर तब दे बलि पहले गुणवा दूध दही माथा महुआ सब खात रहे साथ सवेरे मोहनत का रही मगर आज समोर तात रहे परिवर्तन यहाँ ये न्याय आई है देसी गुण देखा कहा मिलता है सबराइज स्पीड पे चला जाता है ये भी ना कहा बोले किसान भाई नमस्कार जगह में तुलसी दो बड़े जगह में तुलसी दो बड़े एक पैसा एक राम केवल राम राम से मुक्ति मिले पैसा से सब काम इमाया या स्पीड से परेशान किया आता कहना बात किसान स्टालों का निरीक्षण करने के बाद मेले का आनंद वादक मंडली का ले रहे हैं। आज के मेले के बारे में हम आपको बताते हैं। आज के मेले की अध्यक्षता जनपद के कृषि विभाग के मुखिया श्री सदानंद चौधरी जी कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित कृषि विज्ञान सुल्तानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिकगण और एफपीओ के साथी एफपीडी
संबंधित अन्य अधिकारी, गायक मंडली पूरा किसानों का मन लुभा रही है। इधर देखिए स्टाल लगा हुआ है और आज आपको पुनः फिर आज के लगाए गए स्टालों का भ्रमण करवाते हैं। ये देखिए विभिन्न कंपनियों का स्टाल और विभागों का स्टाल लगाया गया है। आज हम आपको पुनः पूरा सभी स्थानों का भ्रमण फिर से करवाते हैं। कल आपने देखा था हमारी वीडियो के माध्यम से कि आपको हमने विभिन्न स्टालों का भ्रमण करवाया था और आज ये पहला स्टाल है कृषि विभाग का, जहां पे कृषि विभाग के विभिन्न ब्लॉकों के विकासखंड के अधिकारीगण अपने स्टाल के माध्यम से किसानों का पंजीकरण कर रहे हैं, पंजीकरण करके विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और विभिन्न योजनाओं से संबंधित लिटरेचर भी, पत्रिका, कृषक पत्रिका भी स्टाल पर मौजूद है, जहां से किसान भाई आके पत्रिका में मौजूद जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये देखिए रजिस्टर पर किसान अपना हस्ताक्षर करके पंजीकरण कर रहे हैं और इधर वन एवं जलवायु परिवर्तन का स्टाल इधर लगा हुआ है, जहाँ पे देखिए विभिन्न तरीके के अनोखे पौधे ले आए गए हैं, जिसको किसान भाई प्रदर्शन के रूप में देख पा रहे हैं। और इधर स्टाल लगा हुआ है यूएस एग्री साइन, यूएस एग्री सीड, जो कि धान की कंपनी है यूएस एग्री सीड। इनका हाइब्रिड धान आता है यूएस 362, इनका हाइब्रिड धान है जो मीडियम मोटा होता है, यूएस 302 यूएस 305 यूएस 312 यूएस 305 इनका महीन धान आता है। और इधर पंजाब एग्रो का स्टाल लगा हुआ है, यहाँ पे पंजाब एग्रो के कर्मचारी मौजूद हैं। इनका स्टाल पर ये देखिए यंत्र भी रखा गया है इनके स्टाल पर। इधर पायनियर का पूरा लिटरेचर लगा हुआ है और फिर इधर देखिए ट्रैक्टर, जो कि फार्मसिली बैंक प्राप्त किसानों का ट्रैक्टर है, ये स्टाल के माध्यम से प्रदर्शन लगाए हैं किसान भाई। इधर आपको ले आते हैं ये स्टाल, देखिए कृषि विभाग का स्टाल है, यहाँ पर विभिन्न तरीके के अनोखे उत्पाद रखे गए हैं। ये है आपका वेस्ट डीकंपोजर, इसके माध्यम से किसान भाई अपने पराली को जैविक तरीके से सड़ाकर उसमें बेसन और पानी और गुड़ और वेस्ट डीकंपोजर मिलाकर अपने अवशेष को सड़ाकर पूरा खाद बना सकते हैं। और ये है 2967 बीज का पूरा ये रखा गया है, 2967 बीज है, 3086 गेहूँ का बीज है। इधर भी किसी विभाग का बीज स्टाल है, ये देखिए गर्मी कंपोस्ट है, तैयार वर्मी कंपोस्ट पूरा चाय पत्ती की दाने की तरह है, तैयार वर्मी कंपोस्ट शुद्ध है, पूरा जैविक है, इसके उपयोग करने से ये तो खेती किसानी जैविक होती है, प्राकृतिक होती है, दूसरा उत्पादन बढ़ता है और पौष्टिकता बढ़ती है। घन जीवामृत है, ये है जीवामृत, ये है जैविक कीटनाशी वेस्ट डीकंपोजर है, इमेजर थापर है, मैंकोजिब है, ट्राइकोडर्मा है, इस शोधन के लिए मटका में इस शोधन के लिए रखा गया है। सॉइल साइंस का लैब है, पूरा सॉइल सिस्टम है, पूरा सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है, संबंधित अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, संबंधित अधिकारी मौजूद है। ये देखिए पूरा ड्रिप का पूरा सिस्टम यहाँ पे रखा गया है, उद्यान विभाग का ये स्टाल, उद्यान विभाग का पूरा सिस्टम, पूरा ड्रिप का पूरा सिस्टम दिया गया है। ये नेट पे पूरा देखिए फसल लगाई गई है, ये ड्रिप किस तरीके से नेट पे काम करती है, पूरा ये टेक्निक लगाई गई है, पूरा सिस्टम यहाँ पे सेट किया गया है, जिससे किसान भाई देख सके और जानकारी प्राप्त कर सके। ये
पूरा जनपद में अलग अलग विकास खंड में प्रगतिशील किसान द्वारा तैयार की गई सब्जियां यहां पे प्रदर्शन के रूप में रखी गई हैं। ये टमाटर की खेती है, इधर मिर्च है, टमाटर है, मटर है, मिर्च है, सेब है, बैंगन है, गोल वाला बैंगन है, चप्पन कद्दू है, गोभी है, सफ़ेद कद्दू है, शिमला मिर्च है, गाजर है, पत्ता गोभी है, मूली है, लौकी है, खीरा है, बेल है, पपीता है, चीकू है, ये देखिए चीकू का फल है, इधर देखिए चीकू का पूरा फल है, ये पूरा चीकू का फल है, ये केला है, केला है, भू संरक्षण विभाग का जो है स्टाल लगाया गया है, ये प्रदर्शित किया गया है देखने के लिए किसानों को कि किस तरीके से अपने भूमि का समतलीकरण किया जाए, किस तरीके से गांव की आबादी को सेट किया जाए, किस तरीके से खेती की जाए, खेत की सुरक्षा किस तरीके से की जाए। और फिर इधर है गन्ना विभाग का कार्यालय, गन्ना विभाग की मैडम भी यहाँ पे बैठी हुई है जो कि किसानों को अपनी कृषक पत्रिका के माध्यम से किसानों को पूरा विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। फिर इधर है दयाल का स्टॉल लगा हुआ है, दयाल का पूरा ये एनिमल का पूरा फीड है, एनिमल का फीड भी इनका आता है, और दयाल के विभिन्न तरीके के उत्पाद जो कि जानवरों के लिए फायदेमंद है वो पूरा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है किसानों के लिए। इधर है पशुपालन, पशुपालन विभाग का स्टॉल है, ये जई का बीज है किसान भाइयों, जो जई का बीज अगर दुधारू पशु इसका सेवन करते हैं, अगर आप अपने दुधारू पशुओं को खिलाते हैं जो दूध दे रही है तो आपका दूध की मात्रा बढ़ती है और बहुत ही फायदेमंद होता है। ठंड के समय में ये पशुपालन विभाग के कार्यालय पर आपको अनुदान भी मिल जाएगा, जहाँ पे जनपद के हर विकास खंड में पशुपालन विभाग का कार्यालय है वहाँ पे आपको अनुदान भी मिल जाएगा। ये पशुपालन विभाग की कृषि पत्र कृषक पत्रिका है जिसमें पूरा पशुपालन विभाग की योजना और किस तरीके से पशुओं को सुरक्षित किया जाए, ठंडी से तमाम रोगों से किस तरीके से बचाया जाए, पूरा डिटेल इस पर दिया गया है, संबंधित अधिकारी भी मौजूद है स्टॉल पे। और ये है केसरयुक्त शिलाजीत, ये जो कि मेडिसिनल का पूरा सेंटर ये यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ये PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा स्टॉल लगाया गया है जहाँ पे संबंधित अधिकारी हैं, और ये कृषक पत्रिका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि विभाग की योजना है, किसान भाई अगर फसल बीमा का लाभ लेते हैं तो अगर अकस्मात प्राकृतिक आपदाओं से अगर उनकी फसल का कोई नुकसान होता है तो अगर किसान भाई बीमा कराए हैं तो उनको उसकी भरपाई बीमा कंपनी उचित जांच के बाद कर देती है। ये पूरा बीमा का किस तरीके से क्या क्या उनके किस्तें होती हैं, कैसे इसको पेश किया जाता है, पूरा सिस्टम इस पर दिया गया है, संबंधित अधिकारी हैं, आप स्टॉल पे आके जानकारी प्रदान कर सकते हैं। आगे आगे इधर ट्रेडर्स का स्टॉल लगा है जहाँ पर विभिन्न तरीके के यंत्र रखे गए हैं, अनोखे यंत्र रखे गए हैं। और इधर विंध्यवासिनी बायो एनर्जी का भी स्टॉल है जहाँ पे ड्रिप पोर्टेबल लपेटा पाइप है और तिरपाल है, संबंधित अधिकारी भी मौजूद हैं। पीढ़ी एग्रो कृषि प्रोड्यूसर कंपनी का स्टॉल लगा हुआ है, महादेव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का स्टॉल लगा हुआ है। ये झटका मशीन का पूरा सिस्टम फ्रेम रखा गया है कि किस तरीके से झटका मशीन काम करती है। झटका मशीन जो है किसान भाइयों ये सुरक्षा